परेशान करते हैं, वो चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, किसी प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करते हैं। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा और इस बात को आप अन्यथा भी ना लें कि कभी कभी देखा गया है कि महिला ही महिला की शत्रु होती है। इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं आप सभी? औरत को औरत ना मारे तो औरत कभी ना हारे। इस विषय में अधिक चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि विषय काफी लंबा हो जाएगा। हमने अक्सर देखा है कि महिलाओं की टांग अक्सर महिलाएं खींचती हैं। अगर संपूर्ण नारी जगत एक होकर कार्य करेगा तो मजाल है कि किसी प्रकार की कोई घटना या क्राइम इस समाज में हो जाए। कहीं ना कहीं महिला की भूमिका होती है। फार्मेसी नेशनल वीक 2022 का हुआ भव्य समापन। ली गई यातायात नियमों का पालन करने की शपथ। गोरा मछिया झांसी स्थित श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी झांसी में नेशनल फार्मेसी वीक 2022 का आयोजन दिनांक 20/11/2022 से 26/11/2022 को आयोजित किया गया, जिसका 26/11/2022 को समापन समारोह बड़ी भव्यता के साथ कॉलेज प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दीपक गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला थाना अध्यक्ष नीलेश कुमारी जी तथा मुख्य वक्ता के रूप में ट्रैफिक वार्डन समाज सेवी सुश्री प्रगति शर्मा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्कप्लेस एक्ट 2013 विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता सुश्री प्रगति शर्मा द्वारा उक्त विषय पर अपने द्वारा किए गए शोध, महिलाओं के प्रति होती घरेलू हिंसा विषय पर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उपस्थित फार्मेसी के छात्र छात्राओं को समझाया कि महिलाएं अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी पहचानें और संविधान में महिलाओं के हित में बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग कदापि ना करें। तत्पश्चात सुश्री प्रगति शर्मा द्वारा यातायात माह के चलते यातायात के नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई कि हम यातायात नियमों का पालन चालान के डर से नहीं बल्कि यमराज के डर से करें। साथ ही उपस्थित छात्र छात्राओं, मैनेजमेंट, कॉलेज स्टाफ को यातायात नियम पालन हेतु शपथ दिलाई। उक्त अवसर पर अतिथि के रूप में ट्रैफिक वार्डन दीप शिखा शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर वैभव, प्राचार्य नर्सिंग श्रीमती सीमा सिंह, प्राचार्य एजुकेशन डॉक्टर सुधारिचारिया, रजिस्ट्रार डॉक्टर अखिलेश, डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र लालवानी, ऋतु भारती, निधि मिश्रा, अनिल सोनी, दीपिका, ज्योति वर्मा, विवेक पाल, विनोद तिवारी, राजीव रिछारिया, एडमिनिस्ट्रेटर भूपेंद्र सेंगर एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, कॉलेज स्टाफ उपस्थित रहा। संचालन रूपम कुशवाहा द्वारा किया गया। बुलाने आए हैं कि आप लोग ये शपथ लेकर जाएंगे कि हम यातायात के नियमों का पालन चालान के डर से नहीं यमराज के डर से करेंगे। करेंगे ना? तो सभी लोग प्लीज खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ आगे कर लें। दाहिना हाथ आगे कर लीजिए। मैं सदैव यातायात के नियमों का पालन करूंगी। वाहन चलाते समय वैध लाइसेंस का प्रयोग करूंगी। मैं 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर ही वाहन चलाऊंगी। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करूंगी। यातायात के नियमों का पालन किसी डर या भय से नहीं बल्कि मन से करूंगी। मैं नशा करके वाहन कभी नहीं चलाऊंगी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाऊंगी। सदैव एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड को रास्ता अवश्य दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने सामूहिक रूप से आज ये शपथ ली कि आप
और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।